अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत सेहत ठीक होगी, उम्मीद है आपकी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत याब करे और नेक मकासद आपके पूरे करे। तो आज हम फिर से यूलिसिस को डिस्कस करेंगे। यूलिसिस को जो डिस्कस करना है ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कोशिश की थी कि अच्छे तरीके से उसको उर्दू में समझाने की, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। टू फॉलो नॉलेज मतलब है कि इल्म या इल्म को फॉलो करना, लाइक अ सिंकिंग स्टार। सिंकिंग स्टार मतलब डूबता हुआ तारा या टूटता हुआ तारा। जैसे हम देखते हैं आसमान में, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि एक तारा टूट रहा है तो वो गिर रहा है, मतलब है कि वो रुकता नहीं है। उसी तरह वो भी कह रहा है कि वो नॉलेज को या इल्म को या किसी उस चीज़ की सफ़र करने की जो उसकी चाह है, वो एक तारे की तरह उसको गिर रहा है उसकी तरफ। मतलब है कि जितना भी वो गिर चुका है या जितना जो वो पहुँच चुका है, जितनी जगह वो देख चुका है, फिर भी वो मजीद आगे जाना चाह रहा है एक तारे की तरह जो रुकता नहीं है, वो भी नहीं रुक रहा। बियॉन्ड अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थाट मतलब है कि इंसानियत की जो हदें ना दिमाग की, मतलब है कि यार इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे भी मजीद वो ज़्यादा देखना चाहता है, ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहता है। अब वो कह रहा है अपने बेटे के बारे में, दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है, माई ओन टेलेमाकस, मेरा मतलब उसके बेटे का नाम टेलेमाकस है, मेरा अपना सगा बेटा है। वो कह रहा है टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द इजले, आइजले में एजल एजल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो होम आई लीव द स्केप्टर, स्केप्टर मतलब किंगडम, एंड द इजले मतलब आइलैंड, पूरे आइलैंड का जो किंगडम है उसका, एथिका जो है ना, एक पहाड़ी के आइलैंड पर किंगडम है पूरा, बादशाह उसकी जो है ना हुकूमत है या उसका राज्य है या उसको क्या सकते थे कि स्टेट है, हाँ कंट्री जो है। वेल लव्ड ऑफ मी, मैं जिसे बहुत प्यार करता हूँ। डिस्कर्निंग टू फुलफिल मतलब है कि डिस्कर्निंग का मतलब होता है वाइज इनफ, मतलब इतना समझदार हो गया है। टू फुलफिल मतलब होता है कि वो अच्छी तरीके से इसको संभाल सके। दिस लेबर मतलब होता है दिस लेबर, टू डिस लेबर का मतलब, दिस लेबर का मतलब टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ अ किंग, मतलब कि मुझे मुझको रिप्लेस कर सके, इतना काबिल हो गया है कि वो मुझे रिप्लेस कर सके, मुझे अपनी जो ड्यूटी है जो फ़र्ज है उससे आज़ाद कर सके, ताकि मैं सफ़र करूं और वो बादशाहत को संभाले, मतलब है ये कह रहा है। बाय स्लो प्रोड्यूस प्रोटियंस टू मेक माइल्ड, स्लो प्रोड्यूस मतलब होता है एक मिनट, ये दो नंबर है तो दो नंबर वाइज मोयर्स, स्लो प्रोड्यूस का मतलब होता है कि जो अक्लमंदाना अहकामात हैं वो जारी करना। टू मेक माइल्ड मतलब है टू मेक माइल्ड टू सिविलाइज, मतलब है कि लोगों को पढ़ाने के लिए या सिविलाइज करने के लिए, जहाला से निकालने के लिए वो है ना अक्लमंदाना इकदाम, मैयर्स का मतलब होता है इकदाम कर सकता है। वाई स्लो प्रोड्यूस मतलब है अक्लमंदाना इकदाम कर सकता है लोगों को जहाला से निकालने के लिए। और राज्ड पीपल मतलब जो वही जाहिल लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, अनसिविलाइज हैं। एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा उन पर मतलब है कि अहकाम जारी करेगा, ये नहीं कि एकदम से सारे अहकाम जारी कर देगा, स्टेप बाई स्टेप करेगा ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएं। सबड्यू देम टू द यूज़फुल एंड द गुड, ये चार नंबर है और चार नंबर ये है, मतलब सबड्यू देम टू द यूज़फुल मतलब है कि उनको ट्रेन करना, ट्रेन देम टू मेक देम यूज़फुल, उन्हें यूज़फुल करामत बनाने के लिए उन्हें ट्रेन करना, वो कर सकता है, मतलब उन्हें ट्रेन कर सकता है लोगों को। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही मतलब ब्लेमलेस मतलब वो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाने से भी वो मतलब उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, वो मतलब बहुत ही अच्छा है, उस पर उससे गलतियाँ नहीं होती, मतलब वो गलतियाँ सबक सीखता है या वो गलतियाँ नहीं करता, इसको सीखते हैं। सेंटर्ड इन सफेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ मतलब है कि सेंटर्ड इन द सफेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ का मतलब है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ये ऑर्डिनरी आम ड्यूटीज़ जो आम फ़राइज़ हैं, या मतलब जैसे हुकूमत के फ़राइज़ होते हैं या अहकाम जारी करना, हुकूमत करना, ये आम काम करने में वो बहुत ही दिलचस्पी रखता है। डिसेंट नॉट टू फेल, वो केयरफुल है, वो एहतियात बरतता है कि वो किसी कहीं जगह पर वो फेल ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कोई गलत अहकाम ना जारी कर रहे हैं। इन ऑफिस आफ्टर टेंडरनेस मतलब ऑफिस ऑफ टेंडरनेस मतलब इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस का मतलब ये होगा इन हिज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज मदर मतलब उसकी माँ की तरफ जो उसके फ़राइज़ हैं वो भी वो पूरी कर सकता है, एंड पे मतलब वो पूरी कर सकता है। मीट एडोरेशन
मीट एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब होता है टू वर्शिप इन सूटेबल मैनर, मतलब एक अच्छे तरीके से वर्शिप करना, इबादत करना। टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, मतलब जो फैमिली उनकी, पूरी फैमिली जिन गॉड्स की वो प्रेयर करती हैं या इबादत करती हैं, वो अच्छे तरीके से वो इबादत कर सकता है, अच्छे मैनर्स से, अच्छे अखलाक से उनकी इबादत करते रहेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, मतलब वो शान शौकत के साथ हुकूमत करेगा अच्छे तरीके से, एंड आई माइन मतलब मैं जो है ना अपना सफ़र करूँगा जो मुझे करना है। देयर लाइज द पोर्ट, उधर वो पोर्ट है, इशारा करके बता रहा है या उसे बता रहा है कि वो पोर्ट है जो उसे बुला रहा है। द वेसल्स पफ्स हर सेल, वेसल्स पफ हर सेल मतलब ये होगा जो पाल होते हैं ना बहरी जहाज़ों पर, कश्तियों पर, पाल मतलब होता है कपड़े, जो बड़े कपड़े लगे होते हैं हवा की वजह से, जो हवा हवा के ज़रिए से जहाज़ को चलाते हैं, तो वो नीचे से उन्होंने लंगर डाला हुआ है, तो जहाज़ तो रुका हुआ है, बंधा हुआ है, लेकिन जो वो कपड़े खुले हुए हैं, पाल्स जो है ना खुले हुए हैं, उन पर हवा लग रही है, प्रेशर डाल रही है, जिससे वो पूरा जहाज़ जो है ना हिल रहा है। देयर ग्लोम, अंधेरा है, द डार्क ब्रॉड सीज, मतलब है कि समंदर जो है ना दूर दरिया, समंदर जो है वो अंधेरों से भरा हुआ है। द मैरिनर्स मतलब होता है उसके सेलर साथी जो है ना, सोल्स दैट टोइल्ड एंड रॉट एंड taught with me, souls मतलब होता है बहादुर रूहें that have toiled, मतलब जिन्होंने, मतलब कि जो ये दोस्त हैं, जो साथी हैं ना, बहुत ही मतलब बहादुर हैं, जिन्होंने बहुत ही वर्क हार्ड किया है, मेहनत किया। toiled का मतलब होता है वर्क हार्ड, तो एंड taught with me मतलब जिन्होंने मेरे साथ सबक सीखा है, मतलब जो भी मुश्किलात, लोग मुश्किलात से सबक सीखते हैं, तो ये जो मेरे साथी हैं ये भी मेरी तरह बहादुर हैं, वो भी मतलब अपनी गलतियों से, अपने मतलब कि जो भी अपनी गलतियों से वो भी सबक सीखते हैं, वो भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दैट एवर विद फ्रोलिक, फ्रोलिक का मतलब होता है चीरफुल, मतलब है एक पुरजोश अंदाज से। दैट एवर विद अ फ्रोलिक वेलकम टुक, मतलब है कि वो प्रजोश अंदाज से मेरा मुझे मतलब है कि कोई चीज़ आने पर वेलकम करने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, या हमेशा वेलकम करते हैं, मतलब है कि वो आए, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि एक प्रजोश तरीके से वो मेरा जो है ना वेलकम करेंगे कि हम फिर समुद्री सफ़र पर चले जाएं। द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड थंडर एंड द सनशाइन, मतलब सनशाइन का मतलब होता है धूप, गर्मी, थंडर मतलब होता है ये जो तूफ़ान होता है, बिजली कड़कती हैं, या मतलब समुद्री तूफ़ान को भी हम बोल सकते हैं। एंड अपोज्ड मतलब होता है फेस करना, मतलब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना, वो कह रहा है। फ्री हार्ट्स मतलब है कि उनके दिल जो है ना बहुत अब खाली हो गए हैं, वो और मज़ीद उन दिल को भरना चाहते हैं, मज़ीद सफ़र करना चाहते हैं। फ्री फॉर हेड्स मतलब फेस डिफ़िकल्टीज, मतलब है कि वो डिफ़िकल्टीज से डरते नहीं हैं, वो उन्हें मज़ीद फेस करना चाहते हैं, सामना करना चाहते हैं मुश्किलात का। यू एंड आई आर ओल्ड, वो कह रहा है अपने साथियों के, ओके मैं और तुम बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड एज हैज़ येट हिज़ ऑनर एंड हिज़ टॉयल, वो कह रहे हैं बावजूद इसके कि हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम में वो इज्जत, येट हिज़ ऑनर, हमारी रूहों में वो ऑनर बाकी है, हमारी उम्र में वो ऑनर बाकी है, इज्जत बाकी है। एंड हिज टॉयल मतलब है कि हम अब भी मेहनत के साथ, लगन के साथ, मतलब है कि सफ़र कर सकते हैं, हमें वो जज्बा अभी बाकी है। डेथ क्लोजेज आल बट समथिंग आर द एंड, डेथ क्लोजेज आल मतलब है हम सब की तरफ जो है ना, हम इतने बूढ़े हो गए कि हम अनकरीब मर जाएंगे, मतलब कि मौत जो हमारे बहुत करीब आ चुकी है। बट समथिंग आर द एंड मतलब है कि आखिरी लम्हे में हम कुछ कर सकते हैं। सम वर्क ऑफ नोबल नोट मतलब ये होगा कि कोई अच्छे काम, नोबल नोट मतलब बहुत ही अच्छे काम तक जिनसे लोग जो है ना हमें याद रखे। मे येट बी डन, अभी भी किए जा सकते हैं, मतलब जितनी जिंदगी बची है ना, ये नहीं है कि अभी हम पर तो मौत आ जाएगी, हम कोई काम नहीं कर सकते, हम अभी भी स्टिल वी कैन डू सम नोबल डीड्स, अच्छे काम कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग, नॉट का मतलब नहीं, अनबिकमिंग का मतलब नामुनासिब, ये नामुनासिब नहीं है मैन मतलब मर्दों के लिए या लोगों के लिए। दैट स्ट्रॉ विद गॉड्स, उनके यहाँ जो ये स्ट्रॉ विद गॉड्स का मतलब, ये एक एनेक्डोट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ट्रोजन वार था, उसमें जो ग्रीक्स थे ये ट्रॉय के साथ लड़े थे, ठीक है, तो ट्रॉय वालों के साथ जो एक ग्रीक मिथ है उसका मतलब ये हो जाता है कि ट्रॉय वालों के साथ जो है ना गॉड्स ने दिया था, जो उनके बिलीव, जो जिनके वो बिलीवर थे कि गॉड्स हमारी हेल्प करते हैं, ज्यूस हो गया और कोई बहुत सारे मतलब है, ठीक है।
ٹھیک ہے, تو وہ ان کی ٹروئے والے سوچتے تھے کہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ ان کا ایک بلیف تھا, میتھ تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے, جو یولیسز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نامناسب نہیں ہے کہ ہم لوگ گاڈز کے ساتھ بھی لڑائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جھگڑ سکتے ہیں ان سے, مطلب لڑائی جیت بھی سکتے ہیں, جیسا کہ ٹروئے والوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی جن کے ساتھ گاڈ نے دیا تھا, تو ان سے بھی انہوں نے جنگ جیتی تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نامناسب نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں یہ چیز بھی, ہم مطلب کہ ہم اگر گاڈ کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں تو ہم اس سے بڑے بڑے کارنامے بھی سارا انجام دے سکتے ہیں. دا لائٹس بگن ٹو ٹوئنکل فرام دا راکس, مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ راکس فرام دا راکس مطلب ہے کہ جو اس کا پتھریلا علاقہ ہے یا پہاڑی علاقہ ہے, تو وہاں سے جو ہے نا لائٹس, سورج کی شعائیں جو ہے نا چمک رہی ہیں, مطلب اسے بلا رہی ہیں کہ صبح ہو گئی ہے مامو, اچھا سفر پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گیا کیا تھا. دا لانگ ڈے وینز, مطلب ہے کہ جو زندگی کا بڑا دن ہے, مطلب اتنا بڑی زندگی جو ہے نا, وینز مطلب گھٹنا, وہ ایسا ایسا کم ہو رہی ہے, ہماری زندگی اتنی بڑی زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ ایسے ایسا کم ہو رہی ہے, یعنی قریب وہ مر جائیں گے. دا سلو مون کلائمز, مطلب ہے کہ جیسے چاند تھوڑا پہلے کم ہوتا ہے پھر ایسا ایسا پورا گول ہو جاتا ہے, تو مطلب ہے کہ ہماری زندگی بھی ایسا ایسا تھوڑی پہلے چھوٹے تھے بچپن سے بڑھتے بڑھتے, مطلب ہے کہ ان قریب ہم ہماری زندگی مکمل ہونے والی ہے. دا ڈیپ, مطلب گہرائی تک پہنچنے والی ہے, آخری لمحے تک پہنچنے والی ہے. مونز مطلب ہوتا ہے آہ بھرنا, راؤنڈ ود مینی وائسز, مطلب اس کے ساتھ ہی اور وہ جو ہے نا ایک آہ بھر رہے ہیں, ایک امنگ والی, ایک چاہ والی آہ بھر رہے ہیں, یار یار کتنا کتنا میں نے دیکھا ہے, ابھی اور بھی دیکھنا ہے, مطلب ایک چاہ ہے اس کے, مطلب وہ جوش ہے ابھی تک ان میں, ایک آہ بھر رہے ہیں کہ یار اتنا میں نے دیکھ چکا ہوں, اتنا میں جنگیں لڑ چکا ہوں, اتنا میں کچھ کر چکا ہوں, لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے. کم مائی فرینڈس, مطلب میرے دوستو, آؤ میرے دوستو, دس ناٹ ٹو لیٹ ٹو سیک اے نیوئر ورلڈ, مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی تک اتنا لیٹ نہیں ہوا کہ ہم اور بھی مزید دنیا دیکھ سکتے ہیں, نئی دنیا, دنیا کے نئے مقامات دیکھ سکتے ہیں. نیوئر ورلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ نئی دنیا, مطلب کہ دنیا کے نئے مقامات, نئے راجے, نئے ملک ہو گئے, آئیلینڈ ہو گئے, مطلب دنیا پوری بہت بڑی ہے, وہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی. پش آف, اپنے آپ کو دھکا لگاؤ. اینڈ سٹنگ ویل ان دا آرڈر سمٹ, مطلب کہ خود کو مارو, حرکت دو تاکہ تم میں حرکت پیدا ہو. دا ساؤنڈنگ فروز, مطلب یہی ہے کہ خود پر حل چلاؤ, خود کو جوش دلاؤ. فار مائی پرپز ہولڈز ٹو سیل بیونڈ دا سن سیٹ, میرا جو پرپز ہے, جو میں پرپز رکھتا ہوں, جو میں وجہ رکھتا ہوں, جو میں مقصد رکھتا ہوں, ٹو سیل بیونڈ دا سن سیٹ, مطلب ہے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے اس سے بھی آگے. اینڈ دا باتھ, جہاں مطلب اینڈ دا باتھ آف آل ویسٹرن اسٹار, یہ جیسے میں نے پہلے کہا ادھر سے یہ جوائن ہو رہا ہے, مطلب جہاں سورج ڈوبتا ہے اس سے بھی میں آگے سفر کرنا چاہتا ہوں, سیل کرنا چاہتا ہوں, سمندری سفر کرنا چاہتا ہوں. اینڈ دا باتھس آف آل ویسٹرن اسٹار, مغربی, ویسٹرن مغربی ستارے جہاں ہوتے ہیں تو ان سے بھی آگے میں کر دیتا ہوں. انٹل آئی ڈائی, جب تک میں مر نہیں جاتا. اٹ مے بی دیٹ دا گولف ول واش آس ڈاؤن, یہ ہو سکتا ہے کہ گولف جو ہیں, گولف ول واش مطلب کہ سمندری لہریں جو ہیں نا ہمیں ڈبو دیں. واش آس ڈاؤن کا مطلب ہوگا ہمیں ڈبو دیں, ٹھیک ہے. گولفس, دا گولفس مطلب ہوتا ہے لہریں, سمندر کی جو بڑی بڑی لہریں ہوتے ہیں, طوفان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں سمندری خطرات بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ مے بی وی شیل ٹچ دا ہیپی ایز لے, مطلب کہ خوشحال آئی لینڈ بھی ہم, اچھے آئی لینڈ, خوبصورت آئی لینڈ, ٹھیک ہے, اس کا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. مے بی, شاید ہمارے نصیب میں ہو تو ہم وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اینڈ سی اے گریٹ ایکلیس ہوم وی نیو, مطلب کہ ایک گریٹ ایکلیس, ایک یہ بھی ایک اینیکڈوٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ہیرو ہے, مطلب کہ گریک میتھولوجی میں یہ ایکلیس جو ہے نا, اور یولیسس کا دوست بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ اس کے ساتھ جنگ لڑا تھا ٹروجن وار میں, تو ٹروجن وار میں ایکلیس کی موت ہو گئی تھی. یہ بہت بڑا مطلب کہ ہیرو تھا, سب سے بڑا ہیرو تو مطلب جو یہ اسٹوری تھی نا ٹروئے اور ٹروجن وار کی جو جنگ تھی اس میں یہی تھا, اس کی بنا پر گریک جو ہے نا اس سے جنگ کر رہے تھے, کس سے, ٹروئے والوں کے ساتھ, اس کے مطلب کہ اس کے سہارے, اس کے کندھے کے اوپر بندوق چلا رہے تھے. سرائکی میں بولتے ہیں نا اپنی ترتی الا, یہ جو لوگ ہیں نا اکلیس کی تر, اکلیس کی جو تڑ ہے نا اب اس کے اوپر مطلب ہے کہ جنگ لڑ رہے تھے کہ ہمارے پاس اکلیس ہے تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, گاڈ ہو یا کوئی بھی ہو. دو مچ از ٹیکن مچ ابائڈ اینڈ دو,
मच मतलब है कि मच इज टेकन मच अबाइड्स, मतलब है कि बहुत कुछ वो देख चुके हैं, बहुत कुछ वो रह रहा है, एंड दो वर वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इज एन ऑल, मुझे पता है, वो कह रहा है कि मुझे पता है कि हमारे पास वो ताकत नहीं रही, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, हमारे पास वो ताकत, मुझे पता है कि वो ताकत नहीं रही जो हमारे पुराने दिनों में, जवानी के दिनों में थी हमारे पास। मूव अर्थ एंड हेवन, हम जब हम मूव अर्थ एंड हेवन मतलब है कि समंदर दुनिया का हर कोना फिरना कोशिश करते थे, हम हर जगह जाते थे मतलब जोश के साथ, उन दिनों हमें मतलब है कि बहुत जो हमारे जिस्म में वो ताकत थी, वो जोश था, जोश तो अभी भी वैसा है, लेकिन वो ताकत, वो उम्र, वो लम्हे नहीं हैं उस तरीके से, वो सर अंजाम तो नहीं दे सकते, लेकिन मतलब उस दिनों में वो जन्नत तक, हेवन वैसे ये जन्नत का लफ्ज़ जन्नत के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जन्नत के बारे में तो वो बहरहाल नहीं कह रहे, लेकिन मतलब है कि जन्नत जैसे खूबसूरत इलाकों में घूमना, उनको भी पार कर जाना, ऐसे कह रहे हैं। दैट विच वी आर, हम ही वो लोग हैं, हम हैं वो लोग, जोश दिला रहे हैं उनको। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, टेम्पर का मतलब होता है, पता नहीं क्या होता है, देख लूँ थोड़ा सा माइंड ना करें तो, टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, टेम्पर, आप इधर देखिए नहीं मेरे राज की चीज़ें जो है ना, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट मतलब दे आर ऑल इक्वली ब्रेव एंड हीरोइक, वन इक्वल हार्ट मतलब उनके सारों के दिल जो है ना एक ही बराबर बराबर जो है ना हीरोइक हैं, बहादुर हैं, हीरो की तरह हैं सभी जो है। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, फेट बोलते हैं किस्मत को, या हाँ किस्मत को ही बोलते हैं, ठीक है, टाइम मतलब वक्त को, मतलब है कि वक्त और किस्मत ने हमें मेड वीक, कमज़ोर तो कर दिया है, बट स्ट्रांग इन विल टू स्ट्राइव, टू स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, जद्दोजहद करना, टू सीक किस चीज़ को देखने की, टू स्ट्रांग इन विल मतलब है हम अपनी ख्वाहिश में जो है ना अभी तक ताकतवर हैं, टू स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, किसी चीज़ को मारना, खुद को मारना ताकि हम हरकत करें किसी चीज़ को, जंग लड़ने के भी कह सकते हैं कि कोई भी